अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लिए आपके लिए वॉइस का कफ का एक नया डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। बंद कफ होता है ये, इसमें बटन नहीं होता। इस तरह का बंद कफ होता है, इसमें जब बनाऊँगी तो फिर आप देखेंगे उसको कि किस तरह का होता है ये। तो इसके लिए हमने बाजू की कटिंग कर ली है, फुल कटिंग कर ली है, और ये कफ के लिए हमने बुकरम काट के रखी हुई है जिस साइज़ में हमें चाहिए। ठीक है, इसको अब हम इस्त्री से कपड़े पे चिपका लेंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा भी मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो इसको इस्त्री से चिपका के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने इस्त्री से चिपका दिया इसको। अब चलते हैं मशीन की तरफ, मैं दिखाती हूँ आपको कि ये कफ हम कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, चलते हैं मशीन की तरफ। चलेंगे, स्टार्ट करते हैं इसको। फिर सबसे पहले हमने ये जो हमने प्रेस किया है कफ को रख के, इसको हम ऐसे रख के इसे सिलाई लगा लेंगे। इसकी जो साइडें हैं ना खुली हुई, दोनों साइडें से हम इसको बंद कर लेंगे। एक कर लिया, दूसरे को भी सीधा कर देंगे। ये हो गया, इसको मशीन से निकाल लेंगे, पीस अलग कर देंगे हम। अब हम इसके साइडों से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, अब इसको टर्न कर लें, सीधा कर लें आप इसको। कोने से इधर इसके किसी नुकीली चीज़ से बाहर निकाल लें, इसके निकल गए आसानी से, क्योंकि कपड़ा पतला है इस वजह से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अभी हम इसको ऐसे रखेंगे इसको, और यहाँ पे पाँव के फासले पे सिलाई लगाएंगे। ये हो गया, सेम यही प्रोसीजर दूसरे कफ के साथ भी। इसके भी हम ये ऐसे पलट लेंगे इसको सीधी तरफ, कोनों को सही तरह बाहर निकाल देंगे हम इसको। वैसे रख के पाँव के फासले पे सिलाई करेंगे। अब हम एक इसके किनारे पे भी एक एक स्लाइड लगा लेंगे, इसमें नीट लुक आएगी इसकी वजह से। ये हो गया, सेम इसी तरह दूसरे पे भी।
कफ तैयार हो गया। उम्मीद करती हूँ मेरी बहनों को समझ आ रही होगी, जो बिगनर हैं वो, उनको जो एक्सपर्ट हैं उनको तो ये वीडियो दे मेरी देखने की ज़रूरत नहीं है, जो बिगनर हैं उनके लिए है। ये हमारा बुकरम देखें, ये यहाँ तक है, तो ये हम थोड़ा थोड़ा छोड़ के कपड़ा बाकी इसमें से एक्स्ट्रा जो है उसको काट देंगे। ठीक है, ऐसे कर देंगे इसको, इसमें से भी जो फालतू है उसको काट लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। बड़ी मेहनत होती है वीडियो बनाने में, पंखा बंद करके वीडियो बनाई जाती है ताकि बीच में पंखे का शोर ना आए, तो एक लाइक तो कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। तो अब हम ये जो हमारा कफ है इसके सेंटर में यहाँ पे एक निशान लगाएंगे ऐसे, और इसी तरह से हमारा जो ये बाजू है उसमें भी हम ऐसे निशान लगाएंगे यहाँ पे, ताकि ये दोनों इसके कट बराबर आए। ठीक है, अब हमने बाजू को सीधा करके रखना है ऐसे, और उसके ऊपर हमने कफ को ऐसे उल्टा करके रखना है ये। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ऐसे, सिलाई लेना है आपने जहाँ पे ये आपका बुकरम है वहाँ पे आपने सिलाई लगानी है, बुकरम के साथ। ठीक हो गया, इसी तरह दूसरी तरफ भी। अब हम इसके ऐसे सीधा करेंगे इसको, अब ये कपड़ा जो यहाँ पे जहाँ प्रेस है यहाँ पे हम इसको सिलाई लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे जहाँ पे हमारा कफ है इसके साथ हमने सिलाई लगानी है। ये आपकी फिटिंग पर डिपेंड करता है, अगर आप थोड़ा सा लूज लगाना चाहते हैं तब भी, बिल्कुल साथ लगाना चाहते हैं तब भी, यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। बस ये देखिए हमारा कफ तैयार है, नए स्टाइल का कफ है, यूनिक, जिसमें कोई बटन नहीं है। ये देखें फिटिंग वाला कफ है, ये देखें इसमें कोई बटन नहीं है। देखिए, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा ये डिज़ाइन, बच्चों के कफ आप इस तरह के बनाएं, बच्चे बटन बार बार उतार देते हैं तो इसे बेस्ट रहता है बच्चों के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।